नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल पर। मेरा नाम आर्यन जायसवाल है और बेसिकली आज के इस वीडियो में टाइटल तो आपने देख लिया होगा, थंबनेल भी देख लिया होगा कि क्या बताने वाला हूँ कि 1000 सब्सक्राइबर्स कैसे जल्दी से जल्दी अचीव करें, कैसे यानी 2020 की ट्रिक है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत सारी छोटी छोटी बारीकियां मैं आपको बताऊंगा जिससे आप लोग 1000 सब्सक्राइबर्स जल्दी से जल्दी अचीव कर सकते हैं, पॉइंट आउट करते हुए चलूंगा। और इसके अलावा आप लोग को एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज करना है कि आपको हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है। मैं अब क्या करूंगा, अगले हफ्ते से जो भी मैं वीडियो डालूंगा अपने चैनल पर, एक वीडियो दो वीडियो हफ्ते भर में मैं 3 से 4 वीडियो डालूंगा और हर वीडियो में मैं दो चैनल का जो प्रमोशन है करूंगा, दो चैनल के बारे में भी बताऊंगा अपने हर वीडियो में, दो चैनल के बारे में बताऊंगा और उनका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। ये मैं अपने अगले हफ्ते से स्टार्ट करने वाला हूं, यानी कि अगले सोमवार से जो है स्टार्ट करने वाला हूं। तो आपको ये काम करना है, इंस्टाग्राम पर मैसेज जरूर करना है, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम का। तो अब सीधे हम लोग टॉपिक पे आते हैं भाई, 1000 सब्सक्राइबर्स, क्योंकि आप सभी को बताया कि यार 1000 सब्सक्राइबर्स स्टार्टिंग में अचीव करना बहुत टफ होता है। अब देखो स्टार्टिंग में जब आप 1000 पा जाओगे तो आपके लिए 5000 10000 फिर बहुत आसान हो जाता है, अगर आपका जो चैनल है सही से चल रहा है, अगर आपके जो सब्सक्राइबर्स है जेन्युइन है तो 1000 के बाद तो आपके पास सब्सक्राइबर्स आते ही रहेंगे और जब सब्सक्राइबर्स आएंगे व्यूज आएंगे तो 4000 घंटे भी अपने आप कंप्लीट हो जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी कैसे अचीव करना है, तो कुछ चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। जैसे आप कभी भी वीडियो अपलोड करते हैं, कभी भी वीडियो डालते रहते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है भाई कि आपको देखना है कि आपका कौन सा वीडियो चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है। जैसे आप वीडियो रोज डाल रहे हैं, आपको टॉपिक नहीं मिल रहा है, तो पहली बात तो मैंने आपको एक चीज़ तो सबको पता है कि ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो बनाना है, ट्रेंडिंग टॉपिक पर, और एवरग्रीन टॉपिक तो आपको बनाना ही बनाना है, बट ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो बनाना है। अब क्या होता है ना कि आपने वीडियो डालना शुरू किया, आपका कोई एक वीडियो वायरल हो गया, किसी एक वीडियो पे 3000-4000 व्यूज भी चले गए, यानी कि अगर आपका एक छोटा चैनल है तो वो वीडियो जो है वायरल हो चुका है, 3000-4000 व्यूज चले गए, तो आपको क्या करना है उसी टैग पर वीडियो बनाना है। वो टैग कहाँ से मिलेगा, टैग के लिए आपको बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो ट्यूबबडी ऐप होता है, ट्यूबबडी ऐप नहीं होता है, एक एक्सटेंशन होता है जो कि आप अगर आपके पास सिस्टम है, लैपटॉप है, पीसी है, तो ट्यूबबडी एक्सटेंशन को आप लोग इंस्टॉल कर लो। एक्सटेंशन को अगर इंस्टॉल करना नहीं आता है तो बहुत ही सिंपल होता है, मैं आपको बता दूंगा वो भी, बट अगर आपको आता है तो उसको जाकर के अपने सिस्टम में इंस्टॉल करो, एक्सटेंशन को इंस्टॉल करो। उसके बाद क्या होगा कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके कौन से वीडियोस पर कौन सा जो टैग है रैंक कर रहा है, और उसी टैग के ऊपर वीडियो बनाओ। जैसे मान लो मेरा कोई वीडियो है चल गया हाउ टू गेट 1000 सब्सक्राइबर्स, तो मैं उसी टैग पे और वीडियोस बनाऊंगा, तो क्या होगा कि YouTube जो है आपका अगर वो पिछले वाला वीडियो वायरल किया है तो ये वीडियो भी वायरल करेगा। एक तो ये तरीका हो गया। सेकंड चीज़ आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है क्या करते हैं कि उनके जो वीडियोज़ होते हैं, मतलब वो जाते हैं दूसरे चैनल पर जाते हैं और अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या सॉरी जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें क्या होता है कि वो लोग कमेंट कर देते हैं, अपने चैनल का लिंक डाल देते हैं। तो ये मत किया करो, मेरे चैनल पर भी बहुत सारे लोग ऐसे ही लिंक डालते रहते हैं, बट लिंक डालने से क्या होता है भाई, लिंक डालने से ये होता है कि वो स्पैम में चला जाता है। तो लिंक मत डालो, अपने चैनल का नाम लिख दो, हैशटैग यूज कर सकते हो, और आप जो हैशटैग आप लोग लिंक में डाल लो, जरूरी नहीं कि आप अपने चैनल का नाम ही डालो, वो आप ये कर सकते हो कि उस हैशटैग अपने जो अपने जितने भी वीडियोज़ हैं उस अपने हर वीडियोस में उसी हैशटैग का यूज करो। देखो ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, क्या करना है, कोई एक हैशटैग, जैसे मान लो मेरा चैनल है आर्यन जायसवाल नाम से है, तो मैं एक हैशटैग यूज करता हूँ, हैशटैग आर्यन जायसवाल। अब ये क्या करता हूँ ना कि ये जो है मैं अपने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैशटैग आर्यन जायसवाल लिखता हूँ, और इसी हैशटैग आर्यन जायसवाल को अगर मुझे कहीं भी किसी कमेंट बॉक्स में डालना है तो उसी हैशटैग को मैं डालूंगा। अब जैसे ही कोई हैशटैग पे क्लिक करेगा तो मेरे वीडियोस फटाफट ओपन होकर आ जाएंगे, जरूरी नहीं कि आप चैनल का नाम ही डालो, कोई हैशटैग अपना चूज कर लो और उसको अपने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस हैशटैग का यूज जरूर करना। तो इससे क्या होगा कि अगर आप किसी वीडियो पे जाकर के उस हैशटैग का यूज करते हो, कमेंट करते हो और बताते हो कि मैं अपने चैनल पर ये देता हूं, तो अगर कोई उस हैशटैग को क्लिक करेगा तो यूट्यूब तुरंत आपके जितने भी वीडियोज होंगे फटाक से ओपन करके दे देगा, आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हो। तो ये बहुत ही सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है भाई, कंटेंट के ऊपर अपने ध्यान देना है। कंटेंट देखो सभी अच्छा बनाते हैं, सबसे थर्ड चीज जो ध्यान देना है आपको थंबनेल के ऊपर ध्यान देना है। कंटेंट तो सभी अच्छा बना रहे हैं, सभी अच्छा बोल रहे हैं और धीरे धीरे बोलना सीख भी जाते हैं, धीरे धीरे वीडियो बनाना सीख जाते हैं, वो तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले आपको ध्यान देना है भाई थंबनेल पे, थंबनेल थोड़ा आपको अट्रैक्टिव बनाना है। थंबनेल के लिए कौन सा ऐप यूज कर सकते हो भाई, पिक्सआर्ट यूज कर सकते हो, पिक्सल लैब यूज कर सकते हो। अगर आप लोग कहोगे तो मैं इन ऐप से आपको थंबनेल अट्रैक्टिव बनाना सिखा सकता हूँ, जैसे मैं थंबनेल बनाता हूँ और क्या क्या चीज़ें होती हैं सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। पिक्सआर्ट तो सबसे अच्छा ऐप है, उससे क्या होता है कि आप कोई भी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें आसान होती हैं, और थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाओ उस पर, थोड़ा ऐसी चीज़ें लिखो लोग उस पर आए, और टैग का तो यूज करना ही करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2020 में ध्यान देना है। और इसके अलावा बहुत सारे लोग
लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि क्या जो YouTube पे जो एडवर्टीजमेंट होता है ना गूगल एडवर्ड के थ्रू, क्या प्रमोशन करके क्या बोलते हैं फोर जो आपके मिनट से बढ़ाए जा सकते हैं? तो भाई नहीं, अगर आप इसका यूज करते हो तो आपके 4000 मिनट में आपका ऐड नहीं होगा, तो ये काम मत करिएगा। और गूगल एडवर्ड बहुत अच्छा तरीका भी नहीं है। देखो गूगल एडवर्ड कौन यूज करता है? गूगल एडवर्ड वो लोग यूज करते हैं जिनको अपने बिजनेस का प्रमोशन करना होता है। चैनल का प्रमोशन अलग चीज़ है यार, चैनल पे अगर आपको चाहिए जेन्युइन बंदे तो आप लोग अपने बल पे ला सकते हो। अगर आपको अपना कोई आपकी कोई बुक है, आपका कुछ भी है, अगर आप उसका प्रमोशन करना चाहते हैं तो आप गूगल एडवर्ड के थ्रू करो यार। लेकिन अगर आपको यूट्यूब चैनल पर ग्रो करना है तो अपने जेन्युइन ऑडियंस ढूंढो। इसके अलावा आपके जो भी सवाल है, देखो जो भी सवाल है आप लोग कमेंट करके पूछो, इंस्टाग्राम पे भेजो, और मैंने आपको जो तरीका बताया उसका भी आप लोग यूज करना मत भूलिएगा। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। ये दो तीन चीज़ें होती है, बस आपको इनका ध्यान देना है, और सब्सक्राइबर्स तो यार अपने आप आएंगे, और प्रमोशन तो मैं आपके लिए कर ही रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।